दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें मतलब कौन सी फोर्स जो है वो महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए अच्छा है, अगर ऐसा पॉसिबल हो सके। जैसे आज के स्थिति में ये क्या है कि किसी की जैसे आप देख रहे होंगे कि थंबनेल में ये लिखा है कि अपनी बहन होती तो मैं भेजता नहीं भेजता, तो ये आज के डेट में ये संभव नहीं है कि अगर आपकी बहन हो तो आप आसानी से रोक लें जाने के लिए, या वो नहीं जाना चाहती हो तो आप उसको ज़बरदस्ती भेज दें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अभी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। फिर भी CISF एक फोर्स ऐसा है अपने देश में जो सिविल जॉब की तरह है, ठीक है। अभी हथियार तो है आपके पास, ट्रेनिंग तो पूरी करेंगे आप एक प्रोफेशनल फोर्स की तरह, ठीक है, और है भी प्रोफेशनल फोर्स, ठीक है, और हमेशा संवेदनशील एरिया में नहीं होता है, फैमिली वेलफेयर क्वार्टर वगैरह की सुविधा, रहने की सुविधा जो है वो बहुत अच्छी है, इसलिए मतलब महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए ये सबसे अच्छी फोर्सेस में है। अगर आप अपनी तरफ से, जैसे आज के डिजिटल ज़माने में अगर अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, ठीक है, आप सही हैं तो सामने वाला बिल्कुल सही ही रहेगा। आपको एक बात बता दूं मैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है, बाकी फोर्सेस का तो नहीं पता या आप देख सकते हैं, लेकिन जो CISF की बता रहा हूँ मैं, CISF में अगर किसी के ऊपर अगर एक मतलब हैरेसमेंट का केस अगर डाल दिया जाता है किसी लिखित रूप से अगर किसी महिला के द्वारा, तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी हो वो घर जा सकता है, ठीक है, सस्पेंड हो सकता है, डिसमिस हो सकता है। हम किसी और वीडियो में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, डिसमिस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और सस्पेंशन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है आपका, ये कहने का मतलब है कि अगर आप चाहें तो मतलब महिलाओं के लिए CISF एकदम बढ़िया है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा फोर्सेस में से है। आज के डेट में जब भी NDA में जा रही है महिलाएं तो सिविल जॉब की तरह जो CISF है या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा ही सकती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई इशू रह जाए फिर भी कि किस तरह का जॉब है तो आप हमें लिख सकते हैं, कोई पर्सनल मैसेज हो तो Instagram ID पे अबाउट सेक्शन में जाकर आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।